हेलो भाई, मैं पवार। आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स कितनी ट्रेंड में है, टाटा इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हमने 2020 में देखी थी, इन्होंने नेक्सोन ईवी लॉन्च करी थी। वो रेगुलर नेक्सोन ही थी, बस उसमें बैटरी और अपना जो मोटर है इलेक्ट्रिक वो डाल दी थी और उसका प्राइस रखा गया था करीबन 15 लाख रुपये। तो अभी नेक्सोन के बाद टाटा लेके आया है एक और अपनी कार ईवी में, क्योंकि उनको सफलता मिल गई अपनी नेक्सोन के साथ। तो अभी उनको एक और ईवी लॉन्च करनी थी थोड़े से लो बजट में। अभी बहुत लोगों का बजट नहीं रहता 15-16 लाख रुपए नेक्सोन के लिए जाने के लिए, तो उन्होंने एक छोटी गाड़ी लॉन्च करी जिनको बस एक ऐसा चाहिए कि भाई मैं अपनी कार को बिजली से चार्ज कर लूं और उसके बाद 300-350 किलोमीटर मेरी गाड़ी में रेंज आ जाए और मैं जा सकता हूं। हालांकि इस गाड़ी की रेंज 306 किलोमीटर है एक सिंगल चार्ज के बाद, लेकिन वो जा पाती है नहीं उसके हम आगे चल के बात करेंगे। तो आज इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे कि छोटी गाड़ी जो टाटा ने अभी लेटेस्ट लॉन्च करी है इसमें क्या मेन फीचर्स अपने को मिलते हैं, मेन क्या इसका प्राइस है, और उस प्राइस को देखते हुए क्या ये कार वर्थ है भी या नहीं, फीचर्स क्या क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो टिगोरा ये करती थी ना, जो एक सेडान थी, ह्युंडई ओरा हो गई, मारुति की डिजायर हो गई और होंडा अमेज हो गई, इन सबसे कम्पीट करती थी। लेकिन अभी टाटा ने ये ईवी में से लॉन्च कर दी अपनी हर कार को, ईवी वर्जन में भी उतार रहे हैं, तो अब इसका कोई कॉम्पिटिशन बचा ही नहीं है। तो एक सिंगल कार है जो अपना इस सेगमेंट में ये ईवी लेके आ रही है। तो इसमें आप देखोगे ना, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे ईवी डाल दिया या फिर जो ये अपना स्टील रिम है, ये अलॉय व्हील नहीं है, स्टील रिम, यहाँ आगे चल के बात करूँगा डिटेल में। यहाँ पे कलर अपना दूसरा डाल दिया या फिर फ्रंट ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट कर दी, तो ये सब चेंज हैं। बाकी ये कार पूरी की पूरी लुक वाइज सेम है, वो तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा ही। लेकिन उससे पहले आप देखिए, इसके डीआरएल आपको यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे फॉग लैंप्स के अंदर आते हैं, ईवी का भी यहाँ पे बैज दिया गया है, टाटा का लोगो भी आता है। और यहाँ पे आप इसकी लाइट्स की बात करोगे, इस तरीके की लाइट आती है जहाँ पे अपने को सारा सेटअप जो मिलता है हेलोजन मिलता है। जैसे मैं अपना लाइट्स ऑन कर दी तो यहाँ पे लाइट जल गई हैं और अपने जो डीआरएल है वो ऑफ हो गई होंगी, ये देखिए डीआरएल ऑफ हो गई। तो यहाँ पे लो बीम में भी अपने को प्रोजेक्टर के साथ अपना हेलोजन बल्ब है और यहाँ पे भी अपने को हाई बीम में हेलोजन बल्ब भी मिलता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है। अभी चाबी आप देख लो भाई, जैसा टाटा अपनी हर कार में, चाहे इनकी बेसिक टियागो भी ले लो, टियागो से लेके और जो सफारी इनकी टॉप एंड आती है उसमें भी ये सेम चाबी देते हैं। तो चाबियों के साथ टाटा कभी ऐसा कुछ करता ही नहीं है कि वो चेंज कर दे। तो यहाँ पे वही नॉर्मल अपना लॉक अनलॉक और इसको दबा के आप रखते हो तो इसमें हेलोजन जो प्रोजेक्टर्स आते हैं ये एलईडी देते ही नहीं, सफारी में भी नहीं देते, एजर में भी देते। तो ये तो टिगो हो रहा है, इसमें भी अपने को हेलोजन बल्ब भी मिलता है प्रोजेक्टर में और इससे हम इसका जो बूट है वो भी अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल सी गाड़ी लगती है भाई ये, फ्रंट से कोई नहीं बता सकता कि ये ईवी है नॉर्मल, मतलब जिसको अगर जनरल नॉलेज ना हो, ये ईवी की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, ईवी मतलब वही इलेक्ट्रिक व्हीकल। टायर्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे टाटा ने इसमें दिए हैं 175/65R14 और ये अलॉय व्हील जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं, ये हाइपर स्टील रिम्स है, इस पे ये व्हील कैप चढ़ा रखा है, यहाँ पे आप देखो ये है स्टील रिम है। और आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और यहाँ पे टाटा का लोगो है। तो यहाँ पे टायर साइज मेरे को तो पर्सनली बहुत ही कम लगा, 175 ऐसे है विड्थ में और 14 इंचेस का ही केवल ये है। लेकिन टाटा का कहना ये है कि आपको ज्यादा रेंज मिले, ज्यादा स्टेबिलिटी हाईवे में मिले, इसलिए इन्होंने 14 इंचेस के ही इसमें ये व्हील्स डाले हैं। इसका ORVM आता है जहाँ पे अपने कोई पैनो ब्लैक फ्रिज में मिलता है, ये इसको कंट्रास्ट करते हुए ये जो अपने ORVMs है आउटसाइड रियर व्यू मिरर, इनको आप कंट्रोल यहाँ से कर लोगे, ये ऑटो फोल्ड वाले आते हैं, ऐसे आपको नीचे दबा कर रखना पड़ता है और अपने जो ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, ऐसे एक बार और दबाओगे आप खुल गए। और इनको आप एडजस्ट भी इस तरीके से कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सारा एडजस्टमेंट यहाँ मिलता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये ऑटो फोल्ड वाले मिरर्स अपने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने को एक क्रोम वाला पार्ट मिल जाता है, कीलेस एंट्री अपने को कार में मिल जाती है, तो क्रोम डोर हैंडल पे उसका रिक्वायर सेंसर भी दिया गया है। पीछे एक तरफ शार्क फिन एंटीना है, यहाँ पे इसका हाई स्टॉप लैंप मिलता है अच्छा ही बड़ा, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है, यहाँ पे अपने को मिलता है इसका रियर डिफोगर, टाटा का लोगो, टिगोर ईवी जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे नेक्सोन ईवी आते तो ये भी जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। केवल दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर अपने को इसमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे अपने को बैकलाइट मिलती है और ये ब्लू सी लाइन आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे इसका कैमरा आता है। ये पीछे थोड़ा लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, तो ये हाई स्टॉप लैंप तो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं ना लोग, बिल्कुल ऐसे ही लुक आ रही है। बाकी यहाँ की आप बात करते हो, इस तरीके टेल लाइट आती है इसकी, ऐसे जलती है, ये भी बहुत मस्त लगती है, जैसे नेक्सोन में हमने देख रखा है। बाकी ये जो पैटर्न है ना, जो ये वाला इंडिकेटर वाला, इसमें ज्यादा ही कुछ ऐसा स्क्वायर डाल के अच्छा सा नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ पे आप डोर हैंडल्स देखोगे ना, वो भी एकदम यूनिक है, मतलब ये बॉडी कलर के साथ साथ यहाँ पे बीच में क्रोम भी डाल रखा है, यहाँ पे आप देखिए। खैर, अब मैं इसकी जो चाबी है उसको डाल लेता हूँ अपनी जेब में, क्योंकि इसके अंदर आती है कीलेस एंट्री, मतलब अपने को जस्ट बटन दबा के हम गाड़ी के अंदर एक्सेस ले सकते हैं। ये है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके अंदर कोई भी इंजन नहीं लगा हुआ है, इसमें केवल एक बैटरी आती है और एक मोटर आती है। अभी वो सब कहाँ पे है वो सब आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए, डुअल टोन कलर में जो टिगोर ईवी है वो आई है, यहाँ पे अपने को इस तरीके से इसका डुअल टोन ये वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। और यहाँ पे इन्होंने फैब्रिक लगा रखा है, यहाँ पे वही अपना प्लास्टिक है, चारों पावर विंडो है।
एक चीज़ जो बहुत ही बेकार लग रही है वो है भाई इसके ये, मतलब ये कौन से ज़माने में है पता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड क्लास हो चुके हैं। बाकी जो आप ड्राइवर सीट है उसको हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, और ये आपको फैब्रिक की सीट्स मिलती हैं, लेदर वगैरह नहीं दिया गया, जिस पर अपने को ट्रायो बीम जो हमने आगे देखा था डिज़ाइन ऐसा मिलता है। अब इसके अंदर बैठते हैं और ऐसी नज़र आती है भाई टिगोर ईवी, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहाँ पे 4-स्टार रेटेड कार है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी सॉलिड मिलती है, आप जब ऐसे दबाते हो ना तो मज़ा आता है। खैर यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट बटन है, अभी हमको लग रही है गर्मी क्योंकि चल रहा है सितंबर का महीना, अभी अपने को जैसे स्टार्ट करने है, एसी चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, बटन दबा दो, ठंडी ठंडी हवा के आनंद लो बिना कोई तेल के, और कार अपनी रेडी है चलने के लिए, और यहाँ से हम अपना एसी वगैरह इसका कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कार रेडी है, कोई आवाज़ नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, पता भी नहीं चलता है। मान लो कई बार हमारी गाड़ी के नीचे जैसे गर्मियों में अपना जानवर या पक्षी वगैरह जो भी लेट जाते हैं, तो जब पेट्रोल डीजल गाड़ी चलती है तो एकदम वाइब्रेशन सी करती है, आवाज़ करती है, तो वो उठ के भाग जाते हैं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा होता है बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा, ड्राइव मोड पे मैंने डाला और हैंड ब्रेक डाउन करी और हम ऐसे चलते बन सकते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा और कुछ भी ऐसे दुर्घटना हो सकती है। खैर ये सब तो देखो हर चीज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज हो तो होती है। अब पीस ऑफ माइंड से इलेक्ट्रिक कार चला रहे तो एकदम उनको वो भी पीस भी चाहिए, अब ऐसे फालतू इस पर नॉइज़ करवाएंगे तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। अभी हम इसकी बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है, आपको काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है नीचे करने के लिए। पर जो इसका ये है ना, ये भी काफ़ी टाइट लॉक होता है, ऐसे ऊपर करके बहुत ज़्यादा टाइट लॉक होता है। इसके अलावा इसमें दो एयरबैग आते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे पैनोब्लैक फ्रेंच दी गई है, और यहाँ पे आप देखेंगे ना एक टॉप वेरिएंट है XZ प्लस, इसका नाम है XZ प्लस बोल लो XZ प्लस बोल लो एक ही बात है। तो इसमें स्टेयरिंग रैप भी अपने को कुछ भी नहीं मिलता है, नॉर्मल स्टेयरिंग भी मिलता है लेकिन ये मिल जाता है जिससे ग्रिप अच्छी मिल जाती है, पर स्टेयरिंग रैप होना चाहिए था, वो सही रहता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर क्वालिटीज़ में भी इशू है, जैसे ये है मान लो ये अपना, इसमें क्या इशू है ना कि जैसे मान लो हमने ऐसे धूप से बचने के लिए ऐसे कर दिया ना, अब हम मान लो अब हमको हटानी है तो देखो ये इसमें से ऑटोमेटिकली ही हट जाता है, ये देखना, ये मतलब इसकी क्वालिटी बहुत ही चीप है। बाकी फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील अपने को मिलता है, मेन चीज़ तो इसकी है ये क्या सीन है। तो यहाँ पे इसको पहले न्यूट्रल में डाल देते हैं, आपको मैं सारा कुछ समझाऊंगा ये ईवी कैसे चलती है। तो यहाँ पे जैसे मैं रेस दूंगा आप देखना कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे हम नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार में देख रहे हैं तो आरपीएम बढ़ता है खामखा का। इसमें जब तक ड्राइव मोड पे कार नहीं होगी जब तक नहीं चलेगी, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे ड्राइव पे डालता हूँ, ब्रेक पेडल दबा के अपने पे, यहाँ पे यहाँ से पूरा कंट्रोल है, गियर नॉब वगैरह आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से मैं स्पीड दूंगा ना, यहाँ पे देखिए ये आपके सब बढ़ते हैं, ये रीजन हो गया, ये अपना ईको हो गया, इस तरीके से बढ़ता है, यहाँ पे अपने को स्पीड पता चलती है, यहाँ पे कितनी परसेंट बैटरी बची है वो बताएगा, रेंज कितनी बची है वो बताएगा, कितनी चली गाड़ी, कितनी चला चुके हो वो बताएगा, यहाँ पे टाइम बताएगा जो गलत है, और यहाँ पे आता है AEC जो कि आपकी मतलब जितना ये कम रहेगा उतना अच्छा है कि आप उतना बेटर अपनी कार को चला रहे हो, ये वो इंडिकेट करता है। तो जितनी कम ये रहेगी उतनी ज़्यादा रेंज आपकी कार देगी, यही सब फीचर इसमें है। बाकी यहाँ सब सेट कर सकते हो टाइम वगैरह, जो कि हम नहीं इंटरेस्टेड अभी सेट करने में। तो ये इसका मीटर हो गया, थोड़ा छोटा है और थोड़ा बड़ा कर देते तो शायद मेरे ख्याल से अच्छा रहता। बाकी हॉर्न आपको बजाना है तो ऐसे बजा सकते हो, भाई क्रूज कंट्रोल वगैरह इस कार में नहीं आता है। इसके अलावा यहाँ पे अपने को मिलते हैं इसके वॉल्यूम कंट्रोल और वॉइस कमांड, जो अपना स्टीरियो सिस्टम है इसके लिए। अभी बात करते हैं इसके 7 इंचेस के टच स्क्रीन के बारे में। तो ये हरमन का है, तो बहुत ही बड़ा हरमन लिखा गया है इसका, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादातर कार्स में बिल्कुल लिखा भी नहीं आता ये सब। तो खैर यहाँ पे इसका रिवर्स कैमरा आप देख रहे हैं इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो यहाँ से हम जैसे इसको न्यूट्रल पर डालेंगे तो ये हट जाएगा, और इसके साथ अपने को इसमें ये मिल जाता है एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले। स्पीकर्स की बात करते हो तो मतलब ठीक स्पीकर्स है आपको अच्छा खासा, अगर आप लाउड नहीं सुनते हो और अपना नॉर्मल सुनते हो तो बेस वगैरह अच्छा है, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वगैरह, ब्लूटूथ इसमें नॉर्मल सारे फीचर्स हैं, पार्क असिस्ट का भी फीचर है आराम से ऐसे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बटन आते हैं बूट अनलॉक करने का, लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो, ये वाले बटन, ये जो अच्छे वाले खूबसूरत दिखने वाले ये जो इसके ओपनर्स हैं यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको चार्जिंग वाला लॉक करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, रियर अपना जो फॉग लैंप है वो आप जलाना है तो वो भी आप यहाँ से जला सकते हो। बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, टाटा की कार्स की फिट एंड फिनिश आप यहाँ पे यहाँ से अंदाजा लगाइए। देखिए ये जो कूल्ड ग्लव बॉक्स है इसका ऐसा होना चाहिए, देखिए ऐसे ऐसे जो इंक्लाइंड हो, अभी ये ऐसे खुला हुआ है, अभी क्यों खुला हुआ है वी हैव नो आइडिया। यहाँ पे देखिए ये हाँ गैप काफी है इसके अंदर, आप देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए आप, यहाँ पे पैनो ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे डोर ओपनर पे बढ़िया वाला क्रोम है। इसका जो ये वाला पार्ट है ना ये एकदम यूनिक लगता है, मतलब ऐसे कटा कटा सा, और बहुत दोनों साइड डैशबोर्ड थोड़ा अलग तरीके से डिजाइंड है, तो जैसे अल्ट्रोज में आता है ना ये थोड़ा अजीब सा ही लगता है इसका, पर ओवरऑल ठीक है मामला। यहाँ पे AC कंट्रोल मिलते हैं,
एसी के साथ यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आती है, जो भी आप अपना करोगे सेटिंग वो आपको यहीं पे पता चलती है, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता है, कोई भी डिस्प्ले नहीं है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो वो भी अपने यहीं पे पता चलता है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पे चला देता है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे अपने को मिलता है इसका फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर और ये सर्कुलेशन, और यहाँ से मोड वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। बट डिस्प्ले ना होना इज़ वेरी बैड। यहाँ पे अपना यूएसबी पोर्ट, आप यूएसबी लगा लो अपना स्टीरियो के लिए, ऑक्स का आता ही नहीं आजकल, और यहाँ पे अपना एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी आता है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह आप रख लो तो काफ़ी प्रैक्टिकल फील होता है। और यहाँ पे अपने को ये ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स, स्पोर्ट्स। रिवर्स करने की इच्छा है तो आर में डाल दो इसे पीछे, आप ब्रेक छोड़ोगे कार अपनी पीछे जाएगी ऐसे। और ब्रेक्स की बात करें, ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। इसके अलावा कार बंद नहीं होती, जैसे झटके से आप कितना ही ब्रेक मान लो, कुछ कर लो, कार बंद ही नहीं होती है। इसके अलावा ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड में तो भाई बहुत ही मस्त है, यहाँ पे हैंड ब्रेक आती है। और एक चीज़, यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, जो कि एक बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है। मतलब आपने नेक्सॉन ईवी बनाई, नेक्सॉन ईवी बनाई क्यों बनाई, कम्फर्ट के लिए, अपने को गेयर वेयर कुछ नहीं करना। अब भाई मैं गाड़ी को चला रहा हूँ प्यार से, तो मेरे को हाथ रखने के लिए तो कुछ तो चाहिए, क्योंकि ये कार तो इतनी बढ़िया है कि अपना आराम से बस चलती रहती है, तो कुछ तो होना चाहिए था यहाँ पे हाथ रखने के लिए। तो ये भी एक चीज़ मेरे को तो मिसिंग लगी। बाकी 2 कप होल्डर्स हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट है, और यहाँ पे एक ही अपना वो भी दिया गया है, बोतल वोतल आप रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अपने को मिलता है इसका कूल ग्लव बॉक्स। और टाटा इसको तो बहुत ही बड़ा बनाती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ऐसे अनलॉक कर देंगे तो यहाँ से ठंडी हवा भी आने लग जाती है। यहाँ पे आप पेपर रख लो, बाकी और सामान आपका यहाँ पे आ जाता है। देखेंगे पैसेंजर साइड को, अजीब सी चीज़ दे रखी है जो कि शायद पैसेंजर को अपना इरीटेट कर सकता है। ये कुछ तो इनकी यूनिट है जो ये यहाँ पे अंदर शायद फिट नहीं कर पाए, तो बाहर तक आ रहा है, तो शायद ये परेशान कर सकता है पैसेंजर को अगर लंबे पैर फैला के वो बैठेंगे तो। बाकी ट्विटर्स आपको आगे एक साइड मिल जाते हैं, और यहाँ पे माइक दिया गया है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे अपने को इसका IRM भी मिल जाता है, जो कि वो मैनुअल डे नाइट वाला। यहाँ पे अपने को आप देखोगे ना फैब्रिक मिलता है, इधर साइड भी फैब्रिक है वाइट कलर में, ये नहीं है फैब्रिक, बस ये फैब्रिक दिया गया, जहाँ से आप पकड़ोगे तो वो आपको थोड़ी प्रीमियम फील होनी चाहिए। इस वजह से अभी कार आइडियल खड़ी है, तब भी मस्त एकदम चिल्ड कर रखी है कार में, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैसा एसी ऑन है तो मैं आपको नॉइस सुनाता हूँ बाहर, इतनी नॉइस तो भाई एसी में करती है देखो, मतलब एकदम जब प्योर साइलेंट तो नहीं है, एसी ऑफ रहेगा फिर तो प्योर साइलेंट है, लेकिन अभी बिल्कुल भी नॉइज ऐसे ही नहीं करती। अभी पीछे की तरफ चलता हूँ और पीछे की तरफ आपको स्पेस दिखाता हूँ कि भाई पीछे क्या हिसाब किताब है इस कार के अंदर, कैसे मतलब आदमी जा सकते हैं या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट थी वाली सीट, वो बैठ गया। अच्छा ये देखो, लेग रूम बनाने के लिए सीट काट रखी है, तो ये एक मस्त चीज़ इन्होंने मुझे तो लगी भाई। ये बहुत चीप फील होता है भाई, मतलब जो ये वाली प्लास्टिक है, और ये बहुत ही मतलब ऐसे देखो इसका कितना कम डीप है, ये तो ऐसे पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। ट्विटर पीछे की तरफ भी है, यहाँ पे क्रोम डोर ओपनर है, और यहाँ पे बोतल वगैरह रख लो, स्पीकर भी दिया गया है। कि जो सीट कवर की क्वालिटी है ना, ये फैब्रिक इतना अच्छा नहीं होता, मतलब इसको इम्प्रूव वो कर सकते हैं। देखो देखना, ये ऐसे ही दबता है, इस पर जब वो लेदर की सीट सेट देंगे ना उसके बाद तो अच्छा लगता है, पर ऐसे अगर कोई नॉर्मली टॉप मॉडल देख रहे हैं हम तब भी इतना अच्छा नहीं लगता। और इसके अंदर अपने को ये भी मिल जाता है एक आर्मरेस्ट, जो कि थोड़ा सा ऐसे स्मूथली ओपन नहीं होता है, बहुत टाइट ओपन होता है। और यहाँ पे अपने को 2 यहाँ पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, बाकी इसको तो निक्कू कार वाला भी लगा सकता है। और बात रही लाइट्स की, तो वो केवल अपने को एक ही जगह पर मिलती है यहाँ पे, जो कि है वाइट इन कलर। तो ऐसा पूरा नज़र आता है टिगोर ईवी का इंटीरियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में, 2 ही केवल पेडल्स मिलते हैं। अभी मेन चीज़ जो है, ये तो चलो सब गाड़ियों में होता है, ईवी पेट्रोल डीजल सब गाड़ियों में, ये सब सीट वीट तो हर कोई लगा ही देता है। मेन चीज़ आती है भाई, जो अंडर द हुड लगा हुआ है, बैटरी कहाँ है, मोटर कहाँ है, वो चीज़ दिखाओ, मेन चीज़ तो उनकी बात करो। चलो भाई फिर आपको वही दिखाते हैं जब आपकी डिमांड ही वही है। तो यहाँ से खोलते हैं हम इसका बोनट, तो बोनट कहाँ से खुलेगा, यहाँ से, तो यहाँ से इसका बोनट खोलेंगे हम ऐसे ऐसे करके। और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसमें हम पेट्रोल डीजल कहाँ से भरवाएंगे। पेट्रोल डीजल नहीं भरवाएंगे, इसमें हम चार्जिंग लगाएंगे, तो वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। यहाँ से हम इसका पकड़ के, ये देखिए ईवी जिप्ट्रॉन, ये है इसका इंजन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, अंडर द हुड अपने को मिलता है ये एक इलेक्ट्रिक मोटर। अभी इलेक्ट्रिक मोटर की स्पेसिफिकेशंस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी डिमांड होगी कि बैटरी दिखाओ पहले हमको, बैटरी कहाँ है। तो बैटरी इज़ इनविजिबल, कहने का मतलब है वो हमको नहीं दिख सकती। बैटरी रखी जाती है कार के नीचे, बैटरी यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे केवल मोटर लगी होती है इसकी। बैटरी जो है इसकी वो 26 किलोवाट की हाई एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी पैक इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि आता है IP67 वाटर रेजिस्टेंस के साथ।
इसके अलावा मोटर की बात करें जो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर पावर लगी हुई है वो है 55 किलो वोट की जो निकालती है 74 PS, और इसमें आपको मिलता है 170 Nm का टॉर्क। और एमिशन की बात करें तो जैसा कि एक इलेक्ट्रिक कार है तो 0% इसमें एमिशन निकलता है, यानी कि अपने एनवायरनमेंट के लिए ये कार एकदम मस्त है, कोई भी पेट्रोल डीजल की तरह कोई भी धुआं वगैरह नहीं फेंकती है। अब मेन बात आती है, अब आप कहोगे कि भाई ठीक है ये सब किलो वोट विलो वोट और बैटरी का हमको नहीं जानना, हम तो प्रैक्टिकल बंदे, हम इसको लेंगे तो हम तो बस रेंज चाहते हैं इससे, एक बार घर पे 8 घंटे चार्ज करिए और भागे फिरिए। तो मैं आपको बता देता हूँ जो टाटा रेंज बता रही है वो 306 किलोमीटर की है इसकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 306 किलोमीटर जा पाएगी क्योंकि नेक्सोन ईवी जो इसकी बड़ी बहन है वो नहीं जा पाती, तो ये कहाँ से जाएगी। तो इसका भी हम एक टेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर जल्दी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे 306 किलोमीटर की रेंज है AII सर्टिफाइड, और इसमें जो बैटरी की वारंटी मिलती है वो मिलती है आपको 8 साल की या फिर 160,000 किलोमीटर 160,000 किलोमीटर जो भी पहले आ जाए। मतलब अगर आपकी जो बैटरी आपको लगता है कि वीक हो गई है, अब इतना पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं है, जल्दी सी ख़त्म हो जाती है, तो आप इसको 8 साल के अंदर चेंज करवा सकते हैं। चार्जिंग की बात करें कि चार्ज वगैरह कैसे होगी वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसको जो अपने घर पे 15 एम्पीयर का प्लग पॉइंट होता है ना वहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। और वो कैसे, वो ऐसे यहाँ पे इसका बटन दिया गया है। अभी जब हमने नेक्सोन ईवी देखी थी ना तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल का ही सही बना आता था, लेकिन यहाँ पे इस बार टाटा ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, इलेक्ट्रिक का ही कर दिया है। तो जहाँ से हम पेट्रोल या डीजल अपने नॉर्मल कार्स में भरवाते हैं वहीं से हम इसको चार्जिंग पे भी लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका ऐसे प्लग पॉइंट हो गया और यहाँ से हम कर सकते हैं। अब इसमें दो हैं, दो कैसे हैं अभी उनको समझाते हैं। तो इसके अंदर अपने को मिलता है ये वाला बैग, अभी इस बैग के अंदर क्या है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर अपने को मिलता है इसका चार्जर जो कि है एक नॉर्मल चार्जर। अभी इसके साथ आप देखो यार इसकी खूब लंबी लेंथ है, आप देखोगे तो ये देखो मतलब वहाँ तक चला जाएगा ये, यहाँ से और वहाँ तक आराम से चला जाएगा, 5 मीटर हो गया। हाँ इतना तो चल जाता है ना, इससे आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो। ये वाला प्लग इसमें लगता है और यहाँ पे अपने को पूरा पता चलता है कि भाई कितनी चार्ज हो रही है, हो भी रही है, या फिर ग्लो ब्लिंक वगैरह आप करके समझ सकते हो। और यहाँ पे अपने को जो ये वाला पॉइंट है ये इसके अंदर ऐसे लगा देना है ऊपर वाले में, डेट्स इट, यहाँ पे अपना वो लगा दो और अपना खटका ऑन कर दो और आपकी कार मस्त तरीके से चार्ज होगी। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि टाइम पूछोगे आपके कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 0 से 80% चार्ज होने में इस वाले चार्जर से आपको लगते हैं 8.5 घंटे। तो 8.5 घंटे आपको लगा के रखनी पड़ेगी तब जाके कार 80% चार्ज होगी। अगर आपके पास फास्ट चार्जर है, आप कहीं पे ऐसे टाटा शोरूम में जाते हो या फिर अपने घर पे इंस्टॉल करवा लेते हो तो 0 to 80% मात्र 1 घंटे में चार्ज हो जाती है कार, जो नीचे वाले इसका फास्ट चार्जर है। तो यहाँ से आप इसको क्विकली 1 घंटे में 80% भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर घरों में यही वाला नॉर्मल चार्जर लगा रहता है। तो अपने को 15 एम्पीयर का करंट देने के बाद अपना रात भर लगा दो। अभी हमने कार अपनी चार्ज कर ली है, अब इसके बाद हम अपने चार्जर को रखेंगे इसके बूट स्पेस में। लेकिन बूट स्पेस की मैं आपको बात बता देता हूँ, इसमें आता है 316 लीटर का बूट स्पेस, और आप देख सकते हो इसमें आप कितना सामान कैरी कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि इसका स्पेयर टायर कहाँ पे है, क्योंकि नीचे तो बैटरी है, और इसको मैं ऐसे अगर दिखाऊं मैं आपको नीचे की तरफ तो इसमें अपने को ज़्यादा कुछ ऐसे मिलेगा नहीं सामान। ये देखिए पूरा यहाँ पे पैक्ड है, तो अपने को जो स्पेयर टायर मिलता है वो अलग से यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे अपने को अनलॉक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब अभी 316 लीटर का बूट स्पेस है तो सही, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि थोड़ा सा तो इससे स्पेयर टायर ने भी इसका स्पेस ले रखा है, तो अब ज़्यादा सामान ऐसे इसमें अंदर कैरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे हमारे 4-5 ये बैग तो आराम से इसमें इजीली आ सकते हैं, और भी बहुत सारा सामान अभी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है, चादर वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ा रखी है, ये एकदम ऐसे ओपन है। तो यहाँ पे वायरिंग वगैरह अपने को ऐसी बिल्कुल आसानी से विजिबल रहती है, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे तार भी अपने को नज़र आते हैं जो कि ठीक ठीक नहीं लगी। बस यहाँ पे हाइड्रोलिक्स लगा रखे हैं। बस इसका बूट स्पेस बंद करना ना, बूट इसका बंद करना इतना ईजी नहीं है, देखो ये एक बार ही में लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। वैसे सही है, 4-स्टार है, हाई बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन ये जो हाइड्रोलिक्स है इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते, देखो बीच में अटक जाएगा। लेकिन सडांस में हम क्या देखते हैं वो एकदम से ऊपर ही चला जाता है, तो ऐसे ऊपर ही जाना चाहिए या फिर एकदम ही बंद होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। तो खैर आप ऐसे इसको बंद कर सकते हो और अपना वोकल फॉर लोकल कार को चला सकते हो। अभी मेन बार ये आती है इसकी प्राइसिंग क्या है, तो प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ। ये कार स्टार्ट होते हैं 12 लाख रुपीज़ से, यानी कि इसमें 3 वेरियंट जो आ रहे हैं XE, XM और XZ+। तो XE का प्राइस है 11,99,000 रुपये एक्स शोरूम, उसके बाद हर वेरिएंट में 50,000 ऐड करते जाइए और आपका टॉप बन जाएगा, यानी कि XM आपका पड़ता है 12.5 का और आपका जो XZ+ है वो पड़ता है 13 लाख रुपए का एक्स शोरूम।
अभी उसमें भी ड्यूल टोन आता है, अगर आपको ड्यूल टोन लेना तो 14,000 रुपये एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, तो 13,14,000 रुपये एक्स्ट्रा इसका प्राइस है। अभी ऑन रोड ये कार इतनी महंगी नहीं पड़ती क्योंकि RTO इस गाड़ी पे दिल्ली की मैं बात करता हूँ तो केवल 12,000 रुपये लगता है, और इंश्योरेंस तो इनका बहुत ही कम होता है, 50,000-1,000 के लगभग आपका इसका इंश्योरेंस हो जाएगा, तो आपको 13.5 लाख रुपये तक की ये वाली गाड़ी टॉप मॉडल पड़ जाएगी। लेकिन उसके हिसाब से 13.5 लाख रुपये मतलब मुझे थोड़ा सा इसका ज़्यादा प्राइस लगा, क्योंकि आप ऐसे 1.5-2 लाख रुपये डाल के एक्स्ट्रा आप नेक्सोन ले सकते हो जो कि इससे बड़ी नज़र आती है, स्पेस भी ज़्यादा है, फीचर्स भी ज़्यादा हैं और थोड़ी अच्छी 5-स्टार रेटेड भी है, ये 4-स्टार रेटेड है, प्लस सबसे बड़ी बात है थोड़ी सी वो एक अच्छी दिखती है इसके कंपैरिजन में, प्लस उसको चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, इसकी हैंडलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। लेकिन प्राइस अगर कहीं ना कहीं इसका 10-11 के लगभग होता ना ऑन रोड तो ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी मेरे ख्याल से होती है, लेकिन अभी तो जैसा कि टेक्नोलॉजी नहीं है ना तो थोड़ी सी इस वजह से महंगी है। तो आप कार में आ गए, आपके कार में से चाबी आ गई, तो आपको कुछ नहीं करना, ब्रेक पैडल पे पैर रखो, ये वाला इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाओ और थोड़ा सा वेट करो जब तक यहाँ पे रेडी लिखा नहीं आ जाता है। यहाँ पे रेडी आ गया, यहाँ पे अपना ब्रेक पैडल दबा के इसको ड्राइव पे डाल दो, हैंड ब्रेक को डाउन कर दो। आप जैसे ब्रेक पैडल छोड़ोगे आपकी जो कार है वो चलने लग जाएगी और कोई आवाज़ भी नहीं करती, इतनी स्मूथ है ये। फिर इसके बाद आप कैसे इसको भगा लो। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।